नहीं बहुत अच्छी थी फिल्म, इट वाज अ वेरी नाइस फिल्म, नाइस थॉट। परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना? वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत ही स्ट्रांग मैसेज कन्वे करना चाहती है फिल्म, बहुत अच्छे तरीके से पहुंच पाया। यस यस यस। कितना स्टार देना चाहिए 5? 4। काफ़ी अच्छी है, अच्छी अच्छी, थोड़ी सी लेंथी हो गई है लेकिन पॉइंट प्रूव हो गया। फिल्म ओके है लेकिन मुझे डायरेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त लगा, अनुभव सिन्हा का इस डायरेक्शन बेस्ट। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक्ट्रेस ने बहुत ही नेचुरल एक्टिंग करवाई गई है, डायरेक्टर ने बहुत ही बढ़िया काम करवाया है और बढ़िया एक्ट्रेस लिए तपसी पन्नू, इज वेरी ग्रेट। हाँ, स्ट्रॉन्ग मैसेज उन्होंने करी है और बायस नहीं दिखाया मूवी में, अच्छी सोसाइटीज के हिपोक्रेटिज्म बाहर लाया है, बहुत अच्छा है और एक्ट्रेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, सारे एक्टर्स। ओवरऑल इज आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच फॉर मस्ट वॉच मस्ट वॉच मस्ट वॉच 25 अप के लिए तो मस्ट वॉच है, मस्ट वॉच है। 5, 4.5 मैं 4 दूंगा। बहुत मस्त मूवी है, मतलब एक ऐसा पल नहीं गया जब हम मूवी से थोड़े से भी डाइवर्ट हुए, बहुत टचिंग। स्ट्रांग सब्जेक्ट है एंड एक्चुअली इसे हर एक देखना चाहिए, हर फीमेल को, हर पेरेंट्स को, हर भाई को ज़रूर देखना चाहिए, ज़बरदस्त, ऑसम एज ऑलवेज। सुपर बॉल, टू गुड, टू गुड। हाँ बिल्कुल देखना चाहिए, हर पेरेंट्स को देखना चाहिए, हर लड़की को देखना चाहिए, हर औरत को देखना चाहिए, हर भाई को देखना चाहिए, बहुत, मैं तो कई जगह इमोशनल हुई, बहुत अच्छी एकदम से। मैं तो 5 देती हूँ। इट इज़ अ वेरी गुड मैसेज, यू नो इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, लाइक यू नो नाउ डेज यू नो द लेडीज हु आर एट होम, इवन इफ दे आर एडुकेटेड, यू नो कि जस्ट एक, मतलब कितना भी आपको आउटसाइड का स्ट्रेस हो, once matlab your family is not responsible for that, you know, like we feel very easy to say a sorry to our colleagues or boss or friends, you know, because humko wo dar rehta hai ki agar hum acha behave nahi karenge to maybe you know that people will not speak to us the next day, but when it comes to the most closest person jo aapke liye din bhar kaam karta hai, you know, honestly ek housewife ko kabhi chutti nahi hoti hai, you know, so it was very nice, it was very nice. Not only Tapsee Pannu, you know, that in each, matlab everybody has good amount of screenshot, the entire family, everybody, whosoever it was, they portrayed the roles very well. 4, I'll give it up. एक्चुअली इसमें वो डायरेक्टर की बहुत बड़ी गलती है, पहले तो ऐसी पिक्चर बनानी नहीं चाहिए ऐसा, कि समाज में रॉन्ग मैसेज जा रहा है, क्योंकि एक छोटी बात को बहुत बड़ा इश्यू बना दिया है इसको, ऐसा होता नहीं लाइफ में, लाइफ में हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होता है ऐसा, कभी आदमी की भी गलती हो जाती है, औरत की भी गलती होती है, तो इसका इतना डाइवर्स तो खींचना वो बराबर नहीं है, और ऐसा आजकल की सब औरतें भी मॉडर्न हो गई हैं, ऐसा नहीं होता ऐसा कि थप्पड़ का सामने जवाब नहीं देंगी, ये तो गलत है, पहले के ज़माने में सब होता था ऐसा, अभी नहीं होता ऐसा, वो आदमी लोग डरते हैं, हमारे जैसे आदमी डरते हैं, हमने कभी औरत पे कभी हाथ भी नहीं उठाया, तो ये रॉन्ग मैसेज जा रहा है समझ में, वो गलत है। ओके, परफॉर्मेंस 2। सबसे अच्छी बात, जो औरत लड़ रही है अपने मन की, जो मतलब ऐसा नहीं कि अहंकार से भी नहीं लड़ी, उसके दिल में जो लगी है उसके लिए लड़ गई, और औरत को वैसे लड़ना भी चाहिए, नहीं नहीं गलत नहीं है, उन्होंने रिवोर्स दिया नहीं है उसको, एक अपने दिल की आवाज़ सुन के उन्होंने जो एक्शन उठाई है वो गलत हो ही नहीं सकती, और उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं, ना घर वाले भी कोई आके बोलते कि ये गलत हुआ है, ना बच्चे को भी नहीं बोल रहा है, ये भी नहीं हुआ, अनुभव सिन्हा की मूवीज़ बहुत ही रियलिस्टिक होती हैं, और ये एक और रियलिस्टिक मूवी है, महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न होता है उसके ऊपर ये मूवी दिखाई गई है, हालांकि लोग कह रहे थे कि सिर्फ एक थप्पड़ के लिए डिवोर्स, लेकिन ये एक शुरुआत है, इट्स द फर्स्ट स्टेज, और आज हमारी सोसाइटी में मानसिक उत्पीड़न के साथ साथ इतने रेप मर्डर हो रहे हैं औरतों के, जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए हमारी सोसाइटी में, यही ये मूवी दर्शाती है, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज एंड इट्स अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। और बात की जाए तो परफॉर्मेंस, तापसी पन्नू, तापसी पन्नू, तापसी पन्नू, तापसी पन्नू, तापसी पन्नू,
तापसी पन्नू हैज़ डन अ रोल विच इज़ नॉट ग्लैमरस, बहुत ही रियलिस्टिक रोल पोर्ट्रे किया है, बहुत ही रिलेटेबल, एंड एवरी वुमेन विल बी एबल टू यू नो एट सम स्टेज रिलेट टू हर, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी में महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है, अत्याचार होता है, वो हर औरत महसूस करेगी उनका किरदार देख के। और उसके साथ साथ पवेल गुलाटी, ही इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, उन्होंने भी कभी अग्रेसिव, कभी गिल्ट से भरे हुए, कभी बिल्कुल भी रिमोर्स नहीं शो करते हुए पति, ऐसे अलग अलग यू नो गमट ऑफ इमोशंस ही हैज़ पोर्ट्रेट। और इसके साथ साथ जितने भी सह कलाकार हैं, रत्ना पाठक शाह, तन्वी आज़मी, दिया मिर्ज़ा का बहुत अच्छा रोल है, उनकी फीमेल लॉयर, मेल लॉयर राम कपूर, जितने भी किरदार है, कुमोद मिश्रा उनके फादर, रत्ना पाठक शाह, ऑल ऑफ देम आर फैबुलस, दे हैव पोर्ट्रेट द रोल्स। ऐसे लग ही नहीं रहा कि आप मूवी देख रहे हैं, आपको लगे कि सच में आपके सामने कोई कहानी चल रही है। नहीं नहीं नहीं, तापसी पन्नू इज इवॉल्विंग विद ईच एंड एवरी मूवी, दिस मूवी इज यू नो ऑन हर शोल्डर्स, कहीं भी अगर वो डगमगा जाती, बट उन्होंने शी कैरीज डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस, कहीं पे यू नो मतलब इमोशनल आउटबर्स्ट करना भी चाहती हैं, और अंदर यू नो उनकी इतना बड़ा समंदर है जो बाहर निकलना चाहता है, तो वो वही पोर्ट्रेट करती है कि वो शी डजंट वांट टू, इवन दो ही अपोलोजाइजेस टिल द एंड, वो कहती है कि नहीं क्यों, व्हाई डिड यू यू नो स्लैप मी इन द फर्स्ट प्लेस। तो वो बहुत ही लोगों के लगेगा इट्स नॉट अ बिग डील, ये मूवी में यही दिखाया गया कि इट्स अ बिग डील, क्योंकि थप्पड़ फर्स्ट सबसे फर्स्ट स्टेज है फिजिकल वायलेंस की, उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस, अग्रेशन, क्या क्या हो सकता है हमारी सोसाइटी में, तो वो उसको उजागर करती है। आई विल गिव 4 स्टार्स।